हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताश तंबोले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सिग्नल 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो थर्ड नंबर चैप्टर हम लोग यहां पे दिया गया है, इस चैप्टर का नेम यहां पे एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो ये थर्ड नंबर चैप्टर की जो एक्सरसाइज हम लोग को दी गई है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, ये प्रोग्राम के रिगार्डिंग है। जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्रिएट की हुई है, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से लेके आप लोगों को जो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन शो हो जाएंगे मैच द फॉलोइंग तक, इसके क्या आंसर है, ये सभी मैंने आप लोगों को क्लियर किए हुए। उस वीडियो की लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 हम लोग प्रोग्राम्स रिगार्डिंग दिया गए हैं, इस प्रोग्राम्स में हम लोग यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हर एक प्रोग्राम का मैं अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करके दे दूंगा, ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगे कि जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया गए हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रोग्राम हम लोग खुद से कैसे क्रिएट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, डिस्प्ले एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर विच वेर एक्सेप्टेड फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पे हम लोग यूजर से टू नंबर एक्सेप्ट करना है, और उसी टू नंबर का आप लोगों को यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे, जैसे एचटीएमएल का प्रोग्राम आप लोगों को क्रिएट करना है। जैसे हम लोगों ने नोट पैड फाइल यहाँ पे क्रिएट किए, जिस नोट पैड फाइल में एचटीएमएल का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, जिसमें हम लोगों ने टाइटल में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7.1 यहाँ पे 1 हम लोग दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग ये आज की वीडियो है, क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अलग से वीडियो होंगी और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अलग से वीडियो होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं ये यूजिंग जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग ये प्रोग्राम क्रिएट करने लें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और यहाँ पे टाइप कर देंगे स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू, और डबल कोड में हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। बस जावास्क्रिप्ट टाइप किया, डबल कोड कंप्लीट करें, एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है, और जो स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने ओपन किया इस स्क्रिप्ट टैग को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हम लोग क्लोज कर देंगे। अब स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद में इनसाइड ऑफ दिस स्क्रिप्ट टैग आप लोग अब एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, जो प्रोग्राम हम लोगों को दिया गया है, डिस्प्ले एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स विच वेर एक्सेप्टेड फ्रॉम यूजर। तो यूजर से दो नंबर हम लोग एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। फर्स्ट यहाँ पे वेर कीवर्ड यूज कर देंगे, और यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, जो यूजर फर्स्ट नंबर टाइप कर देगा तो यहाँ पे ए वेरिएबल में उसका नंबर हम लोग स्टोर कर देंगे। यहाँ पे सेकंड वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, जो सेकंड नंबर यूजर टाइप कर देंगे उसे बी में हम लोग स्टोर कर देंगे, और ए और बी का रिजल्ट हम लोग जिसमें स्टोर करना है, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट नेम का ही एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे। देने के बाद में यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग ए वेरिएबल नेम दे देंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल ए हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब इसके अंदर यूजर जो फर्स्ट नंबर दे देंगे यहाँ पे इसे स्टोर करना है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे टाइप कर देंगे हम लोग पार्स, आई कैपिटल दे रहे हैं पार्स इंट। अब पार्स इंट, ये पार्स इंट एक मेथड है, पार्स इंट मेथड पार्स ऑफ वैल्यू एज ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न द फर्स्ट इंटीजर। तो यहाँ पे पार्स इंट एक वैल्यू रिटर्न कर देंगे हम लोगों को, लेकिन जो वैल्यू हम लोगों को टाइप करना है उसके लिए हम लोग और एक मेथड यूज कर देंगे, पार्स इंट दे देंगे ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग आप प्रॉम्प्ट, ये मेथड नेम दे देंगे। अब मेथड से क्या होगा कि पॉपअप वहाँ पे टॉप में एक बॉक्स आप लोग शो होगा, जिसमें यूजर अपना नंबर टाइप कर सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट एक मेथड है, इसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट मेथड डिस्प्ले और डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट। जो भी इनपुट यूजर दे देंगे तो डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम लोग वहाँ पे उसे एक्सेप्ट कर देंगे, और जो भी नंबर यूजर ने दिया हुआ है उसे हम लोग ए में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने के बाद में ओपन ब्रैकेट दिए, डबल कोड में यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। बस ये टाइप किए, डबल कोड कंप्लीट किए, डबल कोड कंप्लीट करने के बाद प्रॉम्प्ट का ओपन ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद पास इन का ओपन ब्रैकेट यहाँ पे दिया, अब इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे और सेमी कॉलन दे देंगे। अब यहाँ पे ए में हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे, जो भी यूजर इनपुट कर देंगे फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद सेकंड वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे ये जो पूरी लाइन हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कर देना, एंटर करके कंट्रोल वी कर देना। अब यहाँ पे ए वेरिएबल की जगह पे यहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल नेम देना है यहाँ पे बी। अब यहाँ पे ए में फर्स्ट नंबर स्टोर होगा और बी में सेकंड नंबर स्टोर होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे हम लोग टाइप कर देंगे सेकंड, सेकंड नंबर सेकंड टाइप कर देंगे। अब टाइप करने के बाद में जो भी ए और बी के जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए हुए, अब ए और बी में यहाँ पे नंबर तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन उस नंबर को हम लोग फर्स्ट क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए थर्ड नंबर वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है रिजल्ट, तो यहाँ पे इसे हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे।
और रिजल्ट में हम लोग क्या चाहिए, तो ए और बी का एडिशन चाहिए। तो यहाँ पे ए वेरिएबल नेम दे देंगे प्लस यहाँ पे बी दे देंगे और सेमी कॉलन दे देंगे। सेमी कॉलन देने के बाद एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जो रिजल्ट में हम लोग ए और बी का एडिशन यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो रिजल्ट को हम लोग अब प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और डबल कोट में यहाँ पे आप लोग टाइप करना है द एडिशन। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन एडिशन हम लोग करना है, द एडिशन इज इक्वल टू डबल कोट यहाँ पे दे देंगे स्पेस देके, और यहाँ पे हम लोग को एडिशन शो करना है। तो एडिशन किसके अंदर, तो रिजल्ट ये वेरिएबल के अंदर है हम लोगों का। तो रिजल्ट ये हम लोग यहाँ पे वेरिएबल जो क्रिएट किया हुआ है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पे जैसे ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे। देने के बाद में इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस कर देंगे। जैसे इस प्रोग्राम को हम लोगों ने सेव किया हुआ है, जैसे आप लोग यहाँ पे नेम देख सकते हैं प्रोग्राम वन डॉट एचटीएमएल। अब ये प्रोग्राम को जिस लोकेशन पे आप लोगों ने सेव किया हुआ है, जैसे हम लोग डी ड्राइव में प्रोग्राम इस फोल्डर में सेव किया हुआ है प्रोग्राम वन डॉट एचटीएमएल, तो इस प्रोग्राम फाइल के ऊपर हम लोग डबल क्लिक कर देंगे। और डबल क्लिक करके हम लोग चेक करेंगे हम लोग का आउटपुट क्या शो होता है। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम ओपन हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर। अब यूजर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे टू टाइप कर देंगे, एंटर कर दो या फिर ओके कर दो, हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पे टाइप करने के लिए दिया गया, एंटर द सेकंड नंबर, हम लोगों ने यहाँ पे थ्री टाइप किए, उसके बाद में एंटर कर देंगे। एंटर जैसे किए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द एडिशन इज इक्वल टू फाइव, टू प्लस थ्री यहाँ पे फाइव आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग फिर से अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे, प्रोग्राम में आने के बाद में जैसे एडिशन तो हम लोग का सही से हो रहा है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे और ये लाइन पूरी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद में यहाँ पे अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग सिम्बॉल दे देंगे स्टार का, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे एडिशन की जगह पे हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, बस मल्टीप्लिकेशन टाइप किए। टाइप करने के बाद में रिजल्ट एज इट इज जैसे ऐसे हम लोग यहाँ पे रख देंगे। सिर्फ हम लोग जो फर्स्ट आउटपुट प्रिंट होगा, उसके बाद में सेकंड आउटपुट जो हम लोग का प्रिंट होगा, तो इसके बीच में हम लोग न्यू लाइन चाहिए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हम लोगों ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस सिंबल दे देंगे और डबल कोड में यहाँ पे टाइप कर देंगे बी आर टैग, मतलब ब्रेक लाइन हम लोगों को देना है। डबल कोड कंप्लीट कर देंगे और इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट आउटपुट भी यहाँ पे हम लोग को चेक करना है। अब स्क्रॉल डाउन कर देंगे यहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट ए मल्टीप्लाई स्टार का सिंबल दिया बी, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट द मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू। अब रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करें, कंट्रोल एस कर देंगे और हम लोग अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश कर देंगे, फिर से एंटर द फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे थ्री, एंटर, फिर सेकंड नंबर टाइप कर देंगे टू, एंटर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द एडिशन इज फाइव हो जाएगा और द मल्टीप्लीकेशन इज का ये हो जाएगा सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई टू इक्वल टू सिक्स, थ्री टू द सिक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग का सही से हो रहा है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया गया, इसका डिवीजन हम लोग चाहिए और रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक साथ कर देंगे। जैसे हम लोग प्रोग्राम में आ जाएंगे, अब ये जो लाइन है हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कर देंगे, एंटर, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। अब इस प्रोग्राम टेक्स्ट साइज हम लोग यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज कर देंगे, तो ज़्यादा आप लोग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ हम लोगों का डिवीजन के लिए हम लोग यूज़ करें, तो यहाँ पे स्लैश सिंबल दे देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अब यहाँ पे वर्ड हम लोग टाइप कर देंगे डिवीजन, डिवीजन ये टाइप कर देंगे। डिवीजन टाइप करने के बाद में ये जो लाइन हम लोग ने कॉपी की हुई है, अब यहाँ पे एंटर करके इसे पेस्ट कर देंगे फिर से। जैसे एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किए, अब एक यहाँ पे पेस्ट किए। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए रिमाइंडर, तो यहाँ पे परसेंटेज मोर का सिंबल आप लोगों को देना है। परसेंटेज सिंबल देने के बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर ये टाइप किए। टाइप करने के बाद में अब इसका आउटपुट हम लोग चेक कर देंगे। अब रिजल्ट में ए स्लैश बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिवीजन का आंसर आप लोग का आ जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों को उसका रिमाइंडर शो होगा। जैसे इस प्रोग्राम को कंट्रोल ए सेव कर देंगे और हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे, यहाँ पे इस प्रोग्राम को रिफ्रेश कर देंगे। और रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे हम लोग चेक कर देंगे, जैसे वैल्यू फिर से हम लोग ले लेंगे थ्री, एंटर कर देंगे और फिर से सेकंड वैल्यू दे देंगे टू और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडिशन फाइव आ गए, मल्टीप्लिकेशन हम लोग का सिक्स आ रहा था, लेकिन डिवीजन अब आ गया हम लोग का 1.5 और रिमाइंडर यहाँ पे होगा 1। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम फिर से रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू दे देंगे 4, एंटर, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ये वैल्यू दे देंगे 2, एंटर। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं एडिशन 6, मल्टीप्लिकेशन 8, डिवीजन 2 होगा और रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा। तो एक्यूरेट आंसर आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम नंबर 1 है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट प्रोग्राम आप लोगों को बताना था।
जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि उसे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। फिर भी अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।